हाय, मेरा नाम रवि निगम है और ना मुझे शायर के मायने पता है और ना कवि का मतलब। जो दिमाग में आता है वो दिल से लिख देता। तो चार लाइनें मैं पहले बोलना चाहूँगा एक ऐसे दोस्त के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो आपके साथ है और साथ था लेकिन अब साथ नहीं है। अब वो चालाकियां कर रहा है आपसे मिलने के लिए। तो सिचुएशन कैसी होती है देखिए कि झूठों की बस्ती से सच्चों का बुलावा आया है। झूठों की बस्ती से सच्चों का बुलावा आया है, लगता है फिर कोई नया पैंतर आजमाया है। वो प्यादों को बढ़ा के ही खुश हैं कि जैसे जीत जाएंगे मुझसे। वो प्यादों को बढ़ा के ही खुश हैं कि जैसे जीत जाएंगे मुझसे, जबकि उसकी हर एक मोहरों को चलना मैंने खुद सिखाया है। दूसरी चार लाइनें आपके लिए ये बोलना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि तुझे क्या पसंद है, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे मुफ्त में भी ये जमाने की सारी शानो शौकत नहीं चाहिए। मुझे मुफ्त में भी ये जमाने की सारी शानो शौकत नहीं चाहिए। ये लाखों के सपने, ये करोड़ों की मिल्कियत नहीं चाहिए। तुम बोल के ज्यादा नुकसान करते हो मेरे दिल का। तुम बोल के ज्यादा नुकसान करते हो मेरे दिल का, मत बोला करो यही ठीक है, पर ये जिल्लत नहीं चाहिए। अब जो कुछ लाइनें जो मैं पढ़ना चाहूंगा वो पढ़ना चाहूंगा जो हमारे आसपास हो रहा है, खासकर वो सिचुएशन जब इलेक्शन होते हैं। कैसे एक टोपी वाला आदमी आपका फुद्दू खींचता है, मैं वो सिचुएशन बताना चाहूंगा। कैसे इलेक्शन से पहले वो आपको बड़ी बड़ी प्यारी बातें करता है, और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये टोपी वाले जो आदमी होते हैं ये बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन होते नहीं है। तो क्या है कि मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है, नेताओं को वोटों के लिए नाक रगड़ते हुए देखा है। और जो ये कहते फिरते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जो ये कहते फिरते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार में आते ही इनको हमसे अकड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है। अब जो बंदा है वो सोचता है पहले बार में जो बोल रहा है, कहता है पहले लोग दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढा करते थे, पहले लोग दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढा करते थे, अब तो एक की हंसी पे दूसरे को सड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है, और नेताओं को वोटों के लिए नाक रगड़ते हुए देखा है। अब आप नेता को देख के बोलते हो क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो कहते हैं यार इसके अचानक इसके दिल में प्यार कैसे आ रहा हमारे लिए, ऐसा तो आदमी था नहीं है। तो कहते हो कि जिनको हम भाते ना थे एक फूटी आंख भी कभी, जिनको हम भाते ना थे एक फूटी आंख भी कभी, आज उनकी दोनों आंखों में हमारे लिए प्यार उमड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है। अब आप भी बड़े परेशान हो जाते हो, ये तो यार ये जो दिल में ना साफ साफ बोल दो, क्या है तुम्हारे दिल में, क्या चाहते हो तुम। तो कहते हो कि जो भी है दिल में साफ साफ कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जो भी है दिल में साफ साफ कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें कईयों के पैर पकड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है। अब आपकी वही बात जो कहा था कि आदमी बड़े मीठे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोहब्बत की किताबें अपने साथ लेके चलते हैं, तो इस पे दो लाइन ये है कि फेंक दो इन मोहब्बत की किताबों को जो अपनी बगलों में दबाए फिरते हो। फेंक दो इन मोहब्बत की किताबों को जो अपनी बगलों में दबाए फिरते हो, क्योंकि कल चुपके से मैंने तुम्हें नफरत पढ़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को मुड़ते हुए देखा है। अब जो ये बंदा है ये क्या बोलता है उस नेता से भी और दुनिया से भी, कहता है यार इस शहर की आबो हवा में अब दम घुटता है मेरा, इस शहर की आबो हवा में अब दम घुटता है मेरा, मैंने यहाँ रोजाना दो भाइयों को लड़ते हुए देखा है। मैंने अक्सर सीधी सड़कों को
मुड़ते हुए देखा है. थैंक यू.